एक बार कुछ ऐसे वीर लोग हैं जो शॉट अपने काट नहीं रहे हैं, ये होल्ड कर रहे हैं कल की उम्मीद में, कल के लिए के वो कल वो बची हुई शॉट का, आज शॉट नहीं काटना चाहते, कल खुद कटना चाहते हैं, खुद कटना। Meanwhile, तो रुको जरा, सबर करो। So 2974 पर एक स्टॉप लॉस लगाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स को खरीदे। 3 महीने के बाद ये ब्रेकआउट आया है। Holy c**, look at all this damage. Sorry. तो 23,500 की कॉल ऑप्शन पे बेट करना है, 170 180 की रेंज में लेना है, स्टॉप लॉस 110, टारगेट 300 से 320। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। 280 का स्टॉप लॉस 340 380 दो टारगेट, मुझे लगता है बजट तक बैंक ऑफ बड़ौदा यहां से और 20% चल सकता है। खाओ मां कसम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हर घंटे आपको दो ऑप्शन भी मिलने वाले हैं, ऑप्शन की दो स्ट्रेट ज्यादा भी मिल सकते हैं, देखो दो तो मिनिमम, दो तो हम गारंटी कर रहे हैं, दो तो मिनिमम है, इलेक्शन और ऑप्शन। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? Alright, ladies and gentlemen, मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं उसाई दलाल स्ट्रीट और मैं बिजनेस चैनल का एंकर छी बिजनेस से बात कर रहा हूँ। देखो बड़े बड़े जब इवेंट होते हैं ना, नॉर्मली हम बात करते हैं बाजार में सेटअप होना चाहिए, बाजार में लेवल्स होते हैं, बाजार का सेंटिमेंट होता है, लेकिन दोस्तों जब बड़े बड़े इवेंट आते हैं ना, मैं तो न्यूज चैनल से हूँ, अब जब बड़े न्यूज इवेंट आते हैं जैसे कि इलेक्शंस आ गया, जैसे कि बजट आ गया, जैसे कि कोई पॉलिसी आ गई, उस समय मेरे पास एक जादुई शक्ति होती, मैं हर आधे घंटे में आपको कॉल या पुट रिकमेंड कर सकता हूं। बाजार कैसा भी हो, मैं तो गारंटी देता हूं कि हर आधे घंटे में कॉल या पुट की रिकमेंडेशन दूंगा। यार देखो सच्चाई आपको बताऊं, मेरा जाता क्या है, मैं कॉल दे दूं तुम कॉल खरीद लो, मैं पुट दे दूं तुम पुट खरीद लो, मैं थोड़ी दे रहा हूं, कोई और पलट दे रहा है। अब तुम्हारा पैसा बने चाहे ना बने, हमारी व्यूअरशिप बनती रहनी चाहिए, हमें तो उससे मतलब है। तो देखो यार दोस्तों, ये लॉजिक क्या है हर आधे घंटे में कॉल या पुट जादू? देखो स्टॉक मार्केट में ऐसा सेटअप लेवल्स ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी मर्जी है, मुझे लगता है यार 2:35 हो गया है ना, ये समय है कि ट्रेडर्स को कोई ना कोई ऑप्शन दे दो, बाजार कहाँ चल रहा उससे थोड़ी मैटर करता है। मेरा मन कर रहा है कि 2,000 रुपये अभी बनना चाहिए आपका, तो कॉल दिलवा दी मैंने किसी से और दूसरा बंदा कॉल भी दे रहा है। अच्छा जादू ही बात, देखोगे जनरली जब स्टॉक मार्केट में आते हो या आप अपनी कॉमन सेंस लगाते हो, तो आपको कॉमन सेंस कहती है कि यार कोई चीज सस्ती खरीदोगे महंगी बेचोगे पैसा बनेगा, लेकिन नहीं, बिजनेस चैनल पे ऐसा नहीं होता। भारतीय बिजनेस चैनल तो नाम के बिजनेस चैनल है, हम थोड़ी हम अलग बिजनेस करवाते हैं, हम आपको बताते हैं कि बॉस वो देखो रिलायंस का शेयर्स 5% भाग गया, भाई साहब वो देखो कल इलेक्शन है, कल नतीजे आ रहे हैं, आज निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे 23,200 पे बैठी है, रिलायंस 5% बढ़ी हुई है, तुम फ्यूचर खरीद लो, फ्यूचर खरीद लो, हाँ फ्यूचर खरीद लो। भाई साहब क्या हुआ होगा उस फ्यूचर वाले का जिसने फ्यूचर खरीदा, घर बार बिक गए होंगे बेचारे के, बट हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम हमारे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो हमारा ऑफिस है वहां पे आके मुझे पकड़ थोड़ी लोगे। बट एनीवेज हमारे दर्शकों में हम नंबर वन है, हमारी व्यूअरशिप इतनी जबरदस्त है कि ना ही सिर्फ हम बिजनेस आर में, हम पोस्ट बिजनेस आर में, हम सी और बी सी और सारे ए डी बी सी सब में हम नंबर वन थे, हम मतलब हमेशा से पैदा ही नंबर वन हुए थे, हम कभी मतलब नंबर टू गए ही नहीं। अच्छा गए कैसे नहीं, क्योंकि हम अपने हिसाब से बाजार चला देते हैं, जब बोलते हैं ऊपर जाता है, जब बोलते हैं गिर जाता है, हमारे एक्सपर्ट तो गजब है। अच्छा मुझे कुछ एक्सपर्ट्स की याद आ रही है यार, एक महिला थी सिमी जी करके, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स, यार नॉन स्टॉप शेयर्स का नाम था, नॉन स्टॉप रहा क्यों नहीं, ओ सेबी ने कार्रवाई कर दी क्या, अरे अरे उनका नाम नहीं लेना था। अच्छा अब रिकमेंडेशन देंगे हमारे हिट मैन हिमांशु, ओ उन पे भी सेबी ने कुछ फाइन लगा दिया है करोड़ों का, 8 फरवरी को सेबी की वेबसाइट पे देख सकता हूं वो ऑर्डर। मुदित
मुदत भी तो देंगे। अच्छा उन पे भी लग गया। अच्छा क्या कर रहे थे, फ्रॉड? ओ ओ ओ ओ, मतलब देखो ये बड़े बड़े चैनल पे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं जनरली देखो अगर जीरोधा डाउन हो जाए, कुछ हो जाए तो भाई इन्वेस्टर्स के हक में बात, लेकिन मेरे जब चैनल पे कुछ हमारे साथी लोग एक्सपर्ट फ्रॉड कर लेते हैं तो इतनी बड़ी बात थोड़ी है यार। मतलब ऐसे पीछे पड़ जाते हो यार तुम लोग, थोड़ा सा फ्रंट रनिंग करती, तुम्हारे पहले पोजीशन बना के तुमको रिकमेंड करके पोजीशन भेज दी, थोड़ा तुम्हारा लॉस हुआ है, हमने तो कमा लिया ना यार। तुम थोड़े लॉस नहीं ले सकते हमारे लिए, आपके आपका दर्शकों का प्यार में आप थोड़े लॉस नहीं ले सकते। बड़े यार बड़े सेल्फिश हो आप लोग। एनीवेज हाँ, तो 3:15 हो रहा है, क्या कोई स्ट्रेटजी दिलवा दे क्या? अच्छा सुनो, वो NTPC यार बड़ा भाग गया है यार, मतलब एक साल में दोगुना हो रखा है। और NTPC कल काफ़ी भाग भी गया इलेक्शंस के पहले। एक काम करो, रिकमेंड कर दो NTPC, है ना भैया। कोई शेयर 8% 9% एक दिन में भाग जा रहा है उसका कोई मतलब थोड़ी है। 8% ऊपर ले लेगा रिटेलर, उसको क्या पता है कि ऊपर लेके नीचे लेके ऊपर बेचना रहता है, उसे क्या पता भैया। रिटेलर को तो हमने बोला तुम 9% ऊपर शेयर ले लो, वो तो दौड़ दौड़ के लेगा। रिटेलर को कहाँ अकल है, मतलब हाँ, उनको नहीं पता नीचे खरीद के ऊपर बेचना रहता है, उनको ये पता है ऊपर खरीद के ऊपर ही बेचो, लेकिन वो भूल जाते हैं कल इलेक्शन है, भैया गिर गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम आधे घंटे में गारंटी देते हैं। देखो हमारी गारंटी है, हम तुम्हें हर आधे घंटे में ट्रेड करवा देंगे, मतलब ट्रेड तो दबा के करवा देंगे, इतना ट्रेड कराएंगे तुम्हारे पैसे नहीं बचेंगे ट्रेड करने के लिए, ये हमारी गारंटी है। तुम्हारे अकाउंट में जब तक पैसे रहेंगे तब तक मैं तुम्हें ट्रेड करवाऊंगा, और हिलना मत, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे न्यूज चैनल से हिलने के। भैया मैं भारतीय बिजनेस चैनल का लीडिंग एंकर हूँ, मेरा काम है कॉल या पुट करवाते रहना, वरना तो मैं कहता हूँ यार ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है, ट्रेडिंग कॉल और पुट में बड़ी रिस्क है, ऐसे ज्ञान मतलब है, देखो सेबी और एक्सचेंजेस के सामने भी तो मुंह दिखाना पड़ता है ना यार। बट जब अनसर्टिनिटी बढ़ती है ना, जब इलेक्शंस है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, उस दिन मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें कॉल और पुट करवा दूंगा। उसके एक दिन पहले जब बाजार लाइफ टाइम हाई है, फालतू में दौड़ रहा है, अगले दिन इलेक्शन है, मैं दिलवा दूंगा तुम्हें रिलायंस का फ्यूचर, डोंट वरी, मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है। तो भाई साहब देखो एक काम, आप ही की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। देखो आपकी ये गलती है कि यार आपको लगता है कि फ्री में सब मिल जाए, मतलब तुम्हें बनाना 20,000-30,000 रुपए एक दिन में है, लेकिन फ्री के रिकमेंडेशन में टीवी देख के बन जाए, देखो तुम्हारी गलती है, तुम हो लालची। अब लालची हो तो यार दूसरा वाला फायदा उठाएगा ना, हम क्या है, हम तो मीडिया हाउस चला रहे हैं, फॉर प्रॉफिट बिजनेस है, तुम्हारा पैसा बने चाहे ना बने, तुम हमारे चैनल पे दर्शक बन के आए हो, हमें तो भैया एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, अब बाकी तो हम पैसा कमा ही लेंगे, हम कौन सा पुट और कॉल करके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शंस के पहले तुम करो, इलेक्शंस पे हायर व्यूअरशिप हमारी है, बजट पे हाइएस्ट व्यूअरशिप का टैग लगाऊंगा पूरे साल, तुमने क्या कमाया उसका हिसाब कौन से देना है, हमें नहीं देना है, मैं बिजनेस चैनल चलाता हूं। तो यार ये है बिजनेस चैनल का सच, देखो बहुत ज्यादा सच बता दिया, कल से मैं फिर से अपने काम में लग जाऊंगा, कॉल और पुट दबा के करवाऊंगा, और नॉर्मल दिनों पर कह दूंगा कि ये सब अच्छी बातें नहीं है, पर जब इवेंट आएगा तो कहूंगा करो करो दबा के करो, हर आधे घंटे में कॉल पुट ये मतलब अपना घर बार भेज के कर दो, ठीक है। वैसे आप लोग खुद ही समझदार हो, अब आपसे ज़्यादा कहना क्या है, चलो मज़े लो फिर, और क्या करते रहो कॉल और पुट, कीप ट्रेडिंग और अकाउंट खत्म कर दो, चलो फिर ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक करो भाई साहब, बिजनेस मुझे भी अपना बढ़ाना है, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सुनो सब्सक्राइब करके जाओ, और अगर आपको रियल स्ट्रेटजी की बात करनी है इलेक्शंस पे कौन सी स्ट्रेटजी है, तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, आप उसको देख सकते हो। खैर मैं नंबर वन न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, बट जल्दी बन जाऊँगा, और बस चलो बाय बाय, टेक केयर, अब नहीं ज़्यादा समय नहीं है भैया, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मैं जा रहा हूँ अब इवेंट पर, बाय।